Hey everybody, welcome back to my YouTube channel and you're watching 3D Max Tutorial with Abhishek. So guys, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ DA के कैमरा एनिमेशन के बारे में। तो इस कैमरा एनिमेशन में मैं ये बताऊंगा आपको कि कैमरे को आपको फास्ट से देन स्लो कैसे करना है, मतलब एनिमेशन जो कैमरा एनिमेशन रहेगा वो फास्ट से इसको स्लो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ ही है, ठीक है एनिमेशन। तो यहाँ पे जो कैमरा एनिमेशन है वो आप देख लो, ठीक है। तो ये है उसका कैमरा एनिमेशन, ये फंस रहा है, देन ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको इस तरह के एनिमेशन भी बताऊंगा। तो ये एनिमेशन कहलाते हैं, मतलब फास्ट से देन स्लो करना, ठीक है। तो ये फास्ट से और स्लो करना ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो वॉल्स है इन्हें मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऑल गया, इसे मैं हाइड कर सिलेक्शन, देन अभी मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा और वीरे में फिजिकल कैमरा लूंगा, ठीक है ऐसे। और इसका मैं टारगेट यहाँ पे कॉर्नर पे इसके रखूंगा, टीवी के कॉर्नर पे इसे उठा दूंगा थोड़ा पीछे, ठीक है। जब ये हो जाएगा गाइस तो फाइनली अनहाइड ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैमरा आपका बाहर तो नहीं है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया मेरा कैमरा। तो अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं एनिमेशन करूँ कहाँ, मतलब ये इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन कुछ कॉर्नर के साइड से ऐसे लेके जाऊंगा ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा कैमरा में, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, देन ऑटो की ऑन करूंगा और यहाँ पे की लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कैमरे को यहाँ पे 50 फ्रेम पे लेके जाऊंगा और सी प्रेस करूंगा ताकि कैमरा मेरा सेलेक्ट हो जाए, और ऑर्बिट कैमरा यूज करके मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ, ध्यान रहे ये वॉल की बाहर ना चले गए, ठीक है ऐसे कुछ, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये मेरा कैमरा एनिमेशन हो गया है। अभी मैं सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, देन मैं 45 फ्रेम के पास जाऊंगा, देन यहाँ पे एक की लगाऊंगा और इसे मैं पीछे कर दूंगा 20 या 25 फ्रेम के आसपास, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसे मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं इसकी को डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे ही लगाता हूँ 30 को और इसको 50 फ्रेम के आसपास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया और फिर मैं इस कैमरे को 100 पे लेके जाऊंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, यहाँ पे की लगाऊंगा, ठीक। और फिर मैं इसे यहाँ पे ऐसे मूव करूँ और इसे जूम करूँ, कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं 85 पे लगाऊंगा, ठीक है, और इससे मैं आगे कर रहा हूँ 70 के पास, ठीक है। और इसे आगे कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये था एक कैमरा एनिमेशन करने का टेक्निक जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप यू गाइस कि आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊं। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।